अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज है संडे, हैप्पी संडे। और आप देख सकते हैं अजानियों पर बैठे हुए हैं। बस मैं अब बच्चों को चेंज वगैरह करवाती हूँ और मोहम्मद बाहर हैं और इनके पापा भी आज घर पर रही हैं। देखते हैं कब तक घर पर रहते हैं, फिर अभी थोड़ी देर में चले जाएँगे बाहर। रोज़ मोहम्मद कहते हैं हमें बाहर ले चलें, लेकिन हमें ले कर नहीं जाते। और देख सकते हैं मैंने लगभग अपना रूम कुछ समेट लिया है, कुछ बिखरा हुआ है। अभी मोहम्मद ने यहाँ सारी चीज़ें बिखेर के रख दी हैं। किचन भी मैंने समेट लिया है। किचन समेट लो तो समझो आधा घर समेट लिया जाता है। किचन की मैंने सफाई वगैरह कर ली है और मोहम्मद यहाँ पर नहीं है। मोहम्मद बाहर सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं और अजान मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं बेड पर कि मम्मा कहाँ कहाँ जा रही हैं। और यहाँ पर मोहम्मद ने भी चाय गिराई हुई है। आपको लग रहा हो गीला गीला क्यों हो रहा है। और हम मोहम्मद भी दिखाते हैं। मोहम्मद, और ये देखें सामने मोहम्मद खड़े हुए हैं कि पापा को जिद कर रहे हैं मुझे पहले बाहर लेके चलो। इन्होंने अभी तक चेंज भी नहीं किया। मोहम्मद इधर। नो मोहम्मद, की एक ही बात होती है, सुबह हो हम लोग बाहर जाएं। ये देखें ये जिद करके सीढ़ियों पर खड़े हुए हैं और इनको बाहर जाना है। पापा से जिद कर रहे हैं मुझे बाहर ले चलो, अभी इन्होंने चेंज भी नहीं किया। ये भागते ऊपर नानी के घर जा रहे हैं, कुछ भी बात बोलो ऊपर भाग के चले जाते हैं नानी के पास। इस तरह हमें ब्लैकमेल करते हैं मोहम्मद। मोहम्मद हाय हाय। नो लें जी, मोहम्मद आ चुके हैं रूम में, अपनी साइकिल भी लेके आ गए हैं। चलो मैं बच्चों को फ्रेश करती हूँ, जाती हूँ इनकी नानी के पोर्शन में, बच्चों को देती हूँ नानी को, फिर मैं अपना रूम वगैरह समेटती हूँ। चले मोहम्मद नानी के घर, चले गाइस हम जा रहे हैं मम्मी के पोर्शन में। देखते हैं मम्मी के पोर्शन में क्या हो रहा है। तो मशीन संडे इनके मामू के घर पर होंगे। मम्मी की मशीन चलने की आवाज़ आ रही है, मतलब आज फिर मम्मी को न्यू डिज़ाइनिंग करने वाली हैं। अजान का झूला रखा हुआ नजर आ रहा होगा। ओके गाइस, अजान को मैंने सुला दिया, मैं जा रही हूँ अपने पोर्शन में। और यहाँ पर मम्मी भी कुछ डिज़ाइनिंग कर रही है, अभी कम्प्लीट नहीं हुई, जैसे कम्प्लीट होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चले मोहम्मद चलते हैं अपने पोर्शन में। ये मोहम्मद खड़े हैं यहाँ पर, चले मोहम्मद अपने घर चले। चलें जी, मैं आ चुकी हूँ अपने पोर्शन में। और यहाँ देख सकते हैं धूप कितनी तेज़ हो रही है। अभी बाहर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, आज संडे है तो बच्चों की मौजें लगी हुई हैं। आज मेरे मोहम्मद घर पर ही हैं क्योंकि इनके पापा इनको लेकर नहीं गए बाहर। चले मोहम्मद रूम में चलते हैं हम लोग। चले मोहम्मद चले रूम में। ओके गाइस, मैं अपने पोर्शन में आ गई हूँ और ये देखें मैं अपने रूम एंटर हो चुकी हूँ। मैं लाइट वगैरह भी ऑन कर रही हूँ। फ़ैन भी मैंने चला दिया है क्योंकि अभी मोहम्मद आएंगे तो रूम में। और मोहम्मद का मैं कंप्यूटर भी टाइम से प्ले कर देती हूँ। ये मोहम्मद कुछ देर पहले दोपहर में ऊपर नानी के पोर्शन में जाने से पहले पता है क्या कर रहे थे, ये अपने कपड़े लेके बैठे हुए थे। रात में मैंने इनके पापा कपड़े प्रेस किए थे ना, तो मोहम्मद ने बस देख लिया तो इस तरह इस्त्री का तार निकला और इस्त्री लेके अपने कपड़े प्रेस कर रहे थे। चले जी चलते हैं फिर किचन की तरफ। इससे पहले मैं चले मोहम्मद का कंप्यूटर प्ले कर देती हूँ ताकि मोहम्मद मुझे तंग ना करें। फिर चलते हैं किचन में, कुकिंग की तैयारी करते हैं। ये देखें मोहम्मद आ रहे हैं रूम में। आए मोहम्मद आ गए रूम में। चलें जी, आज आ गए मम्मी के घर मेहमान और मोहम्मद उनको देख के दरवाज़ा बंद कर रहे थे और जल्दी से रूम में आए और इनको देख के शर्मा गए। मोहम्मद जैसे पहले को आता है ना तो फर्स्ट टाइम थोड़ा शर्मा के अंदर भागते हैं रूम के अंदर। चलें जी, ये देखिए हमने मोहम्मद का कंप्यूटर प्ले कर दिया है और मोहम्मद के ये वाले का मोहम्मद प्ले करें, ये वाले प्ले करें। अभी इन्होंने फिलहाल कोई गाना सॉन्ग चला दिया, मैं अब इनके हिसाब को इनके कार्टून वाला लगा देती हूँ। फिर चलते हैं किचन में, चल के कुकिंग की तैयारी करते हैं। ओके ये वाले लगा के दूँ आपको, चलें मैं पहले मोहम्मद के लगा के देती हूँ कार्टून इनको। कौन से? ये मोहम्मद के फेवरेट कार्टून है। चलें जी हो गए प्ले। ये देखें ये इनके कार्टून प्ले हो रहे हैं, वो कहते हैं ऐड क्यों आ रहे हैं। चलें हम चलते हैं किचन में, चल के खाने बनाने की तैयारी करते हैं क्योंकि मम्मी ने पहले कहा था आज मैं आने वाले मेहमान, तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी से नीचे जाती हूँ अपने पोर्शन में, जल्दी से कुकिंग की तैयारी कर लेती हूँ। चलें जी चलते हैं किचन में और चल के खाने बनाने की तैयारी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, हम आ चुके हैं किचन में और मैंने किचन में आके फटाफट अपनी ये तैयारी कर ली, सब्जियों की कटिंग वगैरह कर ली
और साथ में मैंने ये आलू यहाँ पर बॉईल होने रख दिए क्योंकि मैंने देखा मेहमान आ चुके हैं, मुझे जल्दी सारा काम निपटा के मुझे भी ऊपर जाना है मम्मी के पोर्शन में, तो मैंने जल्दी से आलू के इस तरह के कट किए और मैंने बॉईल रख दिए आलू। आलू हो चुके हैं बॉईल और यहाँ देख सकते हैं सब्जियाँ वगैरह मैंने कट कर ली हैं। बस कुछ स्पाइसेस वगैरह भी मैंने निकाले हैं, वो मैं जल्दी से निकालती हूँ। और यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्च एक अदरक ली है, ये दो तीन के लिए मैं लहसुन के लिए एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का लिया हुआ है। मैं क्या बनाने वाली तो मैंने आपको बताया, आप देख सकते हैं माशाल्लाह मैंने सारी तैयारी अपनी कंप्लीट कर ली और आज मैं बनाने वाली हूँ मिक्स अचारी सब्ज़ी। तो चलें जी, सबसे पहले मैंने लिए हैं ये एक कटोरी आलू, इस तरह मैंने स्लाइस में कट करके इनको बॉईल कर लिया। और दो तक मैंने टमाटर लिए थे, इनको मैंने इस तरह कट किया। टमाटरों को मैं सब चीज़ों का एक ही साइज़ रखा, एक शेप में कट किए मैंने चीज़ों को, तमाम वेजिटेबल को। और इस तरह एक कटोरी मैंने वेजिटेबल ये ली हुई है शिमला मिर्च, शिमला मिर्च को मैंने इसी स्टाइल में कट किया है। और गाजर इसको भी मैंने इसी तरह कट किया हुआ है, एक कटोरी गाजर ली हुई है, एक कटोरी मैंने शिमला मिर्च ली हुई है और एक कटोरी टमाटर और एक कटोरी मैंने इस तरह आलू लिए हुए हैं और आधा कटोरी मैंने मटर लिए हुए हैं। इनको मैंने पहले बॉईल कर लिया, मटर करने में टाइम लगता है। और चले जा जाते हैं प्याज की तरफ, और प्याज भी मैंने ले ली, बड़ी प्याज थी तो मैंने उसको हाफ ले ली। और प्याज को भी इस तरह मैंने स्लाइस में कट कर लिया। और हरा धनिया जो कि मेरे पास डेली आपको नज़र आता है, और एक अदद हरी मिर्च ली है, तीन कलियाँ मैंने लहसुन के लिए, और एक छोटा टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है जो जिसका भी बनाने में पेस्ट। और ये दो अदरक मैंने हरी मिर्च ली है जो ऊपर से मैं हमेशा डालती हूँ, और साथ में राई रखी हुई नज़र आ रही है, दो चुटकी में राई डालूंगी। और ये ज़ीरा, और ज़ीरा भी मैं दो चुटकी डालूंगी जब मैं प्याज लाल करने से पहले। और इसमें ड्राई स्पाइसिस की तरफ है मेरे पास थोड़ा सा नमक, हाफ टी स्पून के लिए नमक, और हाफ़ टी स्पून ली मैंने हल्दी, हाफ टेबल स्पून ली मैंने लाल मिर्च। और यहाँ मोहम्मद भी आ चुके हैं किचन में, ये कूलर खोल के पानी पीने की कोशिश कर रहे हैं। चलें जी, हम मोहम्मद को पहले पानी भर देते हैं, ये अपने गिलास में पानी पीने मसरूफ़ हैं। और चलें जी, हम रखते हैं जल्दी से चूल्हे पर कढ़ाई, ये रख दी हमने कढ़ाई, गैस ऑन करते हैं और चलिए से अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। और मैं जो सब्ज़ी का मसाला है, अचारी सब्ज़ी का मसाला, वो मेरे बेटे ने यहाँ कर दिया, जैसे मैं ढूंढती हूँ फिर मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो आज मैं बनाने वाली मिक्स अचारी सब्ज़ी। चलें जी, मैं फिर ऑयल गर्म करती हूँ और पकाने की तैयारी करती हूँ। चलें जी, देख सकते हैं मैंने यहाँ पर आधा कप के करीब मैंने ऑयल लिया था, इसको मैंने इस तरह गर्म कर लिया है। और मैं इसमें ऑयल हो चुका है गर्म, चलें जी बिस्किना पड़कर अपने कुकिंग का आवाज़ करते हैं। और सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी दो चुटकी के करीब राई, जी मैंने दो चुटकी राई डाल दी, और एक चुटकी बड़ी भर के हम ज़ीरे की ले लेंगे। और अब साथ में ये प्याज ऐड कर देते हैं इसमें। चलिए जी, प्याज हो रही है सॉफ्ट, जब तक हम कर देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पहले मैंने वॉश करके रखा हुआ था। और चलिए ये प्याज हो जाती है सॉफ्ट, और जब तक मैं कर देती हूँ अदरक लहसुन और इसका पेस्ट रेडी कर लेती हूँ। चले मैं पहले पेस्ट, चले जी मैं पहले पेस्ट रेडी कर लूँ फिर मिलती हूँ। चले जी, हमने अदरक लहसुन और हरी मिर्च ली थी एक अदरक, मैंने आधी चमची साबुत धनिया जो साबुत धनिया होता है ना वो भी मैं इसमें ऐड कर दिया, और साथ में मैंने पेस्ट किया, पेस्ट करा लिया बगैर पानी के, दरदरा से मैंने कूटा है। और यहाँ प्याज हमारी हो चुकी है प्रॉन, तो इसमें मैं जल्दी से पेस्ट ऐड कर लूँ। जी, और मोहम्मद जी किचन में फिर से आ रहे हैं, ब्रेकिंग के दांत पिस हो रहे हैं। और मोहम्मद और नानी घर नहीं जा रहे, आज उन्होंने देखा ना आपका मेहमान बैठे हैं, इसलिए मोहम्मद नानी घर अब नहीं जा रहे, कार्टून के वहाँ पर चल रहे हैं। मोहम्मद आ चुके हमारे पास किचन में, चले मोहम्मद। चलें जी, प्याज अदरक लहसुन हमारा हो चुका है, तीनों चीज़ें इनका भुन चुकी हैं, अदरक लहसुन प्याज वगैरह अच्छे से भुन चुके हैं, मसाले में इनकी खुशबू आ रही अच्छे से। तब इसमें मैं जल्दी से ये टमाटर ऐड कर देती हूँ जो मैंने यहाँ कट करके रखे हुए थे। इसमें साथ में अपना किचन भी समेटती हुई जाऊंगी क्योंकि अजान को तो मैं भी खुद सुला के आई हूँ। चले जी, टमाटर को पहले भून
भून लेते हैं, फिर इसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे हम। मसाला हो चुका है हमारा अच्छे से रेडी, टमाटर हो चुके हैं सॉफ्ट, तो अब मैं इसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। ये देख सकते हैं मसाला मेरा अच्छे से भून चुका है और जो ड्राई स्पाइसेस रखे हुए थे ये मेरा अचारी मसाला मुझे मिल चुका है। इसमें मैंने एक चम्मच अचारी मसाला ले लिया है सब्जी का, तो ये चले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और मम्मी को आप देख सकते हैं और रूम में फिर जा चुकी हैं, वहाँ बिजी होकर अपने कार्टून देख रहे हैं शोरूम से। ये किचन में आते हैं कुछ ना कुछ करते रहते हैं, मुझे डर लगता है बच्चों से तो किचन में ना आए, चूल्हा जल रहा हो कभी कोई चीज़ उठा के फेंकते हैं करते हैं। आप देखो वहाँ बैठे हुए मोहम्मद, चले मसाले की तरफ चलते हैं। अभी मैं ड्राई स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, हल्का सा मैं पानी ऐड करूँगी इसके अंदर, और यहाँ पर आपको बर्तन वगैरह फिर नज़र आ रहे हैं। और जैसे ये मसाला मिल जाएगा मैं बर्तन वगैरह के साथ साथ समेटती रहूँगी। चले मैं मेरे मसाले को अच्छे से भून लेती हूँ, मेरा मसाला अच्छे से भून जाएगा और जब तक मैं किचन में समेट लूँगी फिर इसके बाद मैं ये सब्जियाँ रखी हुई हैं ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है और अब मैं इसमें जो सब्जियाँ रखी हुई हैं कट करके वो इसमें ऐड कर ली हूँ। सब्जियों का कलर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, कहते हैं ना हमारे रब ने हमारे बहुत अच्छी और कलरफुल सी चीज़ें रखी हुई हैं उसमें ना, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुकलाओगे। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी कलरफुल सब्जियाँ होती हैं, फ्रूट के हर तरह के कलर ना आप देख रहे हो, दुनिया में कितने अच्छे अच्छे कलर हैं, बहुत कलरफुल है अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई बहुत ही ज़्यादा। बस हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो चलें जी, सबसे पहले मैं इसमें क्या ऐड करूँ समझ नहीं आ रहा क्या ऐड करूँ, चलें मटर पनीर ऐड कर देती हूँ। चलें पड़के हमने मटर ऐड कर दिए और अब साथ में गाजर रखे हुए, मैं गाजर ऐड कर रही हूँ रेड, पहले ग्रीन ऐड किए अब मैं रेड ऐड कर रही हूँ। चलिए जी ये भी हमने डाल दिया और अब बस अब तो टाइम नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट लगेंगे और जैसे मेरी सब्जी रेडी होती है फिर मैं भी जाऊँ जल्दी से मम्मी के पोर्शन में। और देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा कलर लग रहा है। और अब इसमें ऐड कर रही हूँ वाइट आलू, और अब मैं आलू को भून लेती हूँ। और सबसे लास्ट में मैं ऐड करूँगी शिमला मिर्च, शिमला मिर्च मुझे क्रंची अच्छी लगती है, ज़्यादा घुली हुई बॉयल हुई भी नहीं पकी भी नहीं। बस गाजर को 2-3 मिनट लगेंगे पकने में और तो दोनों चीज़ें बॉयल हैं आलू मटर, ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया हुआ। आप चाहें तो ये जो अचारी मसाला वो ना भी ऐड करें तो भी सब्ज़ी 3-4 सब्ज़ी मिक्स करके बहुत अच्छी बनती हैं। और कल जो मछली कढ़ाई बनाई थी पापा को बहुत पसंद आई थी। चलिए जी तो 2 मिनट तक मसालों को भून लेते हैं और थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी ताकि गाजर गल जाए, गाजर को मैंने बॉईल करना भूल गई थी। 2 मिनट अगर गाजर को बॉईल कर लेती हूँ तो मुझे मसाला ना बनता। तो चलिए जी ये थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, थोड़ी देर पहले मैं इसको भूनूंगी फिर 2 मिनट के बाद मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी और साथ में अपना किचन भी समेट लूँगी। ये देख सकते हैं मसाला कलर फुलसी सब्जी, मैंने 3 मिनट तक इनको अच्छे से भून लिया है मसाले को। और ये देख सकते हैं सब्जी भी आपस में एक जान हो चुके हैं मसाले भी। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ ताकि थोड़ी सी गाजर मुझे कच्ची लग रही है तो ये गाजरें भी गल जाएँ। चलें जी थोड़ी देर में इस गाजर को गला लेते हैं। और आज तो सुबह से हमारी गैस भी नहीं आ रही, बहुत स्लो आ रही है, ना होने के बराबर गैस है आज हमारी। और लाइट ने तो हमें बहुत तंग किया हुआ है हद से ज़्यादा, और रात में जो जाती है 10 बजे तो सुबह 11:30 पे आती है, लोड शेडिंग से हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, बच्चे रोते हैं इतना परेशान होते हैं क्या बताएं। हालांकि बिल भी डेली भर रहे हैं, हर मंथ बिल पे होता है लेकिन फिर भी पता नहीं क्या मसला होगा इन लोगों को बिजली वालों को। चलिए जी बस अब इसमें थोड़ा सा पानी में ऐड कर रही हूँ और ढक्कन लगा देती हूँ पानी ऐड करके। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर रहे हैं, मैंने पानी ऐड कर दिया ताकि गाजर गल जाए अच्छे से। बस ये 2 मिनट लगेगी, 2 से 3 मिनट में गाजर भी इंशाल्लाह गल जाएंगी हमारी। और जब तक हम इसको कवर कर देते हैं, ढक्कन पहले मैंने वॉश करके रखा हुआ था। और चलते हैं मोहम्मद क्या बोल रहे हैं, मोहम्मद की भी सुन लेते हैं। और देख सकते हैं मैंने हलवा किचन समेट किया है और यहाँ पर मैंने आलू बच गए थे ज़्यादा, मुझे लगे मैं इस तरह निकाल के ये खीरा प्याज रखा है, इसके मैं सलाद बना लूँगी।
और आटा मैं बाद में ले लूँगी क्योंकि अभी 4 बज तकरीबन 4:45 हो रहे हैं। तो अब मैं बस जैसे किचन से बैठती हूँ सब्जी रेडी हो जाती है, फिर चलती हूँ मम्मी के पोर्शन में। अभी लाइट आपको नजर आ रही है, बस 15 से 20 मिनट की लाइट है, फिर चली जाएगी अभी। और गैस तो वही 8 बजे के बाद चली जाती है, लेकिन आज तो सुबह से गैस बहुत स्लो स्लो आ रही है हमारी। रात में बिजली नहीं, दिन में और रात में गैस भी नहीं होती। चलिए जी, गाजर बस थोड़ी सी कच्ची रहती हैं, गाजर लगभग गल चुकी हैं, बस थोड़ी सी देर है गाजर को गलने में, देख सकते हैं ये कलरफुल सी सब्जी माशाल्लाह से। और चलिए बस गाजर थोड़ी सी रह गई है कच्ची, तो ये थोड़ी सी जो रह गई है पानी इसका खुशबू होने वाला है। तो अब मैं इसमें ये शिमला मिर्च रखी वो मैं ऐड कर देती हूँ, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी इसके बाद। चलिए जी, अब मैं इसको लगा देती हूँ ढक्कन, बस 5-10 मिनट लग, अब मैक्सिमम 10 मिनट हो जाएगी हमारी सब्ज़ी रेडी। और यहाँ पर मैंने प्याज रखी हुई थी, इस तरह मैंने इसको कट करके अपना नमक वाले पानी में डाल दिया है। और खीरा रखा हुआ था, खीरे को मैं इस तरह कट कर लिया है। और किचन में मैंने अपना समेट लिया है, और देखते हैं मोहम्मद क्या कर रहे हैं। मोहम्मद का कंप्यूटर हो चुका है बंद, पीसी कोई मसला कर रहा है इसलिए बार बार कंप्यूटर बंद हो रहा है, जिससे मोहम्मद परेशान हो रहे हैं वहाँ पर खड़े हुए हैं। और माशाल्लाह से असर की अजानें हो चुकी हैं, अब मैं असर की नमाज़ अदा करूँगी और फिर सब्ज़ी डिश आउट करके मम्मी के घर जाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, हमारी आज की सब्ज़ी की डिश हो चुकी है रेडी, अचारी सब्ज़ी हमारी रेडी हो चुकी है। और आप देख सकते हैं ये मैंने एक मिर्च रख दी थी, इनके पापा को पसंद है, इस तरह दम सालन रेडी होने से पहले रख के 1 से 1.5 सेकेंड के लिए मैं बस दम लगा देती हूँ, तो फिर इस तरह की पापा मिर्च ये वाले शौक से खाते हैं। और देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ चुका है, गाजरें भी गल चुकी हैं। और ये जो शिमला मिर्च है ना, इस तरह की मुझे क्रंची अच्छी लगती है, मैं ज़्यादा इनको पकाती नहीं हूँ, और इनकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अभी भी आप यकीन करें गाजर और शिमला मिर्च की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और मैं पास्ता मैक्रोनी वगैरह कुछ भी बनाती हूँ तो मैं मिर्चें ज़्यादा शिमला मिर्च ज़्यादा पकाती नहीं हूँ, मैं इस तरह की रखती हूँ, तो इसका टेस्ट ही अलग होता है। चलिए जी, हम इसको करते हैं डिश आउट और फिर आपको दिखाते हैं आज ये हमारी डिश रेडी। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, मेरी आज की अचारी सब्ज़ी रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी कलरफुल, कितनी अच्छी लग रही है। और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल के इस तरह मस्त गार्निश कर लिया है, और देख सकते हैं सब्ज़ी जैसे ठंडी होती जाएगी और इसका ऊपर आता जाएगा। ये देखें यहाँ सब्ज़ी कितना ऑयल आ चुका है, और साथ में मैंने ये प्याज और प्याज खीरा काटा हुआ है इस तरह मैंने, और ये आप लोग देख सकते हैं झटपट बन गए जल्दी से, क्योंकि मैंने सब्ज़ियों की कटिंग पहले कर ली थी। सब्ज़ियाँ काटने में टाइम लगता है, बाकी तो पकने में टाइम नहीं लगता, बस कुछ सब्ज़ियाँ होती हैं जो गलने में टाइम लेती हैं। तो चलें जी, आपको आज की हमारी रेसिपी कैसे लगी आप लोग हमें बताइएगा ज़रूर। और चलें जी, चलते हैं मम्मी के पोर्शन में, और मोहम्मद को भी जाके देखते हैं मोहम्मद क्या कर रहे हैं। ओके गाइस, जिस तरह मैंने बनाई आप लोग भी इस तरह स्पाइसेस कम ज़्यादा करके बना सकते हैं। अगर आप लोगों की तरह अचारी मसाला नहीं मिलता तो वैसे भी सब्ज़ी बना सकते हैं, वैसे ही सब्ज़ी बहुत अच्छी और लजीज़ बनती है। मैंने अभी भी टेस्ट की है, सब्ज़ी बहुत अच्छी और लजीज़ बनी हुई है, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा और मुनफरद है। आप लोग भी इस तरह बना के देखिएगा। ओके गाइस, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। चलिए जी, हमारी डिश तो हो चुकी है रेडी, और यहाँ देख सकते हैं मोहम्मद क्या कर रहे हैं। मोहम्मद दरवाज़ा बंद करके यहाँ बैठे हुए हैं। मोहम्मद नानी घर चले, मोहम्मद नानी घर है, हेलो नानी घर में, तो हेलो नो मोहम्मद बिजी हैं आज, नानी घर में मेहमान है, मैंने इसे मोहम्मद के ऊपर जाने में शर्म आ रही है। चलें जी, मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के पोर्शन में, चलें नानी घर। ओके चलिए जी, लाइटें वगैरह करते हैं ऑफ और चलते हैं मम्मी के पोर्शन में। हेलो, फिर लाइट ऑफ करें फिर आप। चलें जी, हम जा रहे हैं मम्मी के पोर्शन में, मम्मी के पापा आज ही करेंगे अपने काम पर। ये देखिए क्या कर रहे हैं बच्चे,
देखो हल चलें, ये मोहम्मद बड़ा वाले बच्चे बैठे हैं ना, मोहम्मद उनको देख रहे हैं, उनके साथ खेलते हैं मोहम्मद कभी कभी। चलें जी हम जा रहे हैं मम्मी के पोर्शन में, मम्मी के पापा भी चले गए काम पर, इनको लेके नहीं गए, वरना सोचा था संडे बच्चों को कहीं बाहर लेके जाएंगे आउटिंग वगैरह करवाएंगे, बट नो काम भी ज़रूरी था इसलिए पापा जा चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं मम्मी के पोर्शन में। और यहाँ पर बाहर बच्चों की भी आवाज़ आ रही होगी, संडे है बाहर बहुत रश लगा हुआ है, मोहम्मद के नो हमें नीचे देखना है। चलें लगता है मैच हार गए बच्चे, इसलिए बहस चल रही है।